बोल्डस्काई में आपका स्वागत है और मैं हूँ कृतिका। शादी करने के लिए तैयार है शरद मल्होत्रा। क्या दिल्ली की डिजाइनर से कर ली है सगाई? यकीन नहीं हो रहा तो जरा इस तस्वीर को देखिए। देखिए इस तस्वीर में रिप्सी की अंगूठी दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि ये है उनकी एंगेजमेंट रिंग जो कि उन्हें शरद ने पहनाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते साल ही टीवी के हार्ट ड्रॉप कहे जाने वाले एक्टर शरद मल्होत्रा का उनकी गर्लफ्रेंड पूजा बिष्ट से ब्रेकअप हो गया था। गर्लफ्रेंड पूजा के बाद अब एक बार फिर से शरद को प्यार हो गया है। शरद को लेकर खबरें आ रही है कि जल्द ही वो शादी करने वाले हैं। रिपोर्ट की माने तो शरद दिल्ली की रहने वाली डिजाइनर रिप्सी भाटिया से शादी करेंगे। रिप्सी दिल्ली की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि दोनों अप्रैल 2019 में ही शादी कर सकते हैं। अब लीजिए, रिप्सी ने भी शरद की शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। दरअसल हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में शरद मल्होत्रा का हाथ नजर आ रहा है, वही दूसरा हाथ रिप्सी का दिखाई दिया जिसमें रिंग नजर आ रही है। ऐसे में साफ पता चल रहा है कि दोनों की सगाई हो चुकी है। वही रिपोर्ट में कहा गया कि शरद की मां लगातार उनसे शादी करने को फोर्स कर रही थी। पूजा बिष्ट से ब्रेकअप के बाद शरद किसी के साथ रिलेशन में जाने के मूड में नहीं थे। हालांकि अब वो मां की बात मान गए हैं और शादी के लिए तैयार हो गए हैं। बीते साल जब शरद मल्होत्रा एक फैमिली फंक्शन में गए तब उनकी मुलाकात रिप्सी के साथ हुई जो उन्हें पहली नजर में ही बेहद पसंद आ गई। माना जा रहा है कि ये अरेंज कम लव मैरिज होगी। बताया गया है कि शरद और रिप्सी की शादी अप्रैल में मुंबई में होगी। शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। खबरों की माने तो इन दोनों की शादी काफी प्राइवेट तरीके से होगी और काफी सिंपल तरीके से की जाएगी। वैसे बता दें कि शरद मल्होत्रा का साल 2015 में दिव्यांका त्रिपाठी से ब्रेकअप हो चुका है। दोनों सालों तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे थे और अब शरद बनने वाले हैं रिप्सी के दुल्हे राजा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।